अस्सलामुअलैकुम, एसएस किचन में वेलकम करती हूँ आपको। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्गर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है इटालियन बर्गर, बीफ बर्गर, जिसके लिए मैंने पैटी का कीमा पहले से रेडी करके रखा हुआ है। और इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला हुआ है, आपने कीमा ले लेना है फैट वाला थोड़ा सा, और उसके अंदर आपने प्याज डालनी है, वाइट वाली जो प्याज आती है ना, थोड़ी वो ज़्यादा कड़वी नहीं होती, तो इसलिए वो वाली प्याज मैंने इसमें डाल दी है बिल्कुल बारीक चॉप करके। और दो अदद प्याज बड़े साइज़ की, वो मैंने आधा किलो कीमे में डाल दी थी पानी निकाल कर बारीक चॉप। और साथ ही मैंने ओरिगानो लीव्स डाल दिए थे, जो ड्राई ओरिगानो आता है, और उसके साथ ब्लैक पेपर डाल दिया था, वाइट पेपर डाला है इसमें, और बेसल डाल दिए, बेसल लीव बारीक चॉप करके, और हरा धनिया थोड़ा सा चॉप करके। ये तो मैंने कीमा रेडी कर लिया और इसके मैंने ये पैटी रेडी कर लिए। और इसके साथ ही ये देखें, ये 6 बर्गर बंस हैं, और साथ ही ये चीज़ है, चेडर चीज़ स्लाइस वाला मुझे मिला नहीं तो मैंने ये ले लिया, खीरा और सैलेड लीफ, ये टोमेटो केचप, ये साथ में मायनीज। तो चलिए हम पैटी फ्राई करते हैं पहले। मेरे फ्रेंड्स, अभी मैंने ऑयल गरम कर लिया और पैटी डाल रही हूँ मैं इसमें। चलिए अब ये एक साइड कुक हो गया, हम इसको टर्न कर लेते हैं। और ये बहुत टेस्टी पैटी होते हैं, आप इन्हें बनाकर फ्रीज करके रख सकते हैं। मैंने भी इन्हें फ्रीज करके ही रखा हुआ है, और ये मैं फ्रीज करके ही अपने घर पे काफ़ी सारे रखती हूँ स्कूल के लिए, और इवन मैं खुद भी लंच में, और हमारे घर में जितने भी लोग जाने वाले हैं, हम सब लोग लंच में लेकर जाते हैं ये। कभी बर्गर बनाते हैं तो कभी ऐसी पैटी ले जाते हैं चीज़ सॉस बनाकर, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, और रोल बनाकर भी आप इन्हें ले जा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई, सिंपल तो बहुत है लेकिन बहुत टेस्टी होती है, इसमें ओरिगानो का एक अपना ही फ्लेवर आता है। तो चलें फ्रेंड्स, ये पैटी रेडी हो चुके हैं और अब हम इनके लिए बर्गर बंस को काटेंगे। शार्प नाइफ लीजिएगा। बर्गर बंस का फ्रेश होना भी इसके लिए ज़रूरी है। तो इसी तरह मैं सारे के सारे आपको कट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये कट हो गए हैं। और फ्रेंड्स, ये बस एक और मैं आपको आपके सामने काट देती हूँ, तकरीबन 4 ही मैं आपके सामने बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वाले हम साइड के ऊपर जो है वो लगाएंगे केचप। आप अपनी मर्ज़ी से जितना कम ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं। और इस साइड पे हम मायनीज लगाएंगे, लेकिन मायनीज मैं पैटी के ऊपर ही जो है वो, बल्कि मैं मायनीज आपके सामने ही अभी से ही लगा देती हूँ। आपने सारे के सारे के ऊपर इसी तरह से मायनीज लगा लेना है। मायनीज आप जितनी अच्छी उस ब्रांड का, जितने अच्छे ब्रांड का लेंगे उतना ही अच्छा होगा, कि फिर अगर आप चीज़ ना भी डालें तो वो इतना रिच होता है और इतना फ्लेवरफुल होता है कि चीज़ की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन खैर, मैं तो मायनीज और चीज़ दोनों पसंद करती हूँ, तो इसलिए हम लोग तो भर भर के चीज़ एंड मायनीज दोनों ही डालेंगे। तो ये मैंने केचप को भी स्प्रेड कर लेना है इसके ऊपर अच्छे से। और अब जो है इसके अंदर जाएगा ये सैलेड लीफ, दूसरा, और ये पैटी, क्योंकि लीव्स हम ज़्यादा शौकीन हैं तो मैं बड़े बड़े डाल रही हूँ। और ये एक और पैटी, साथ में क्यूकम्बर स्लाइसेस, ये चीज़ स्लाइस। ये चीज़ लवर के लिए नहीं है, मेरे भांजे के लिए, तो इस पर मैं चीज़ नहीं डालूँगी। ये ओरिगानो एक्स्ट्रा फ्लेवर, हालांकि मैं पैटी में डाल चुकी हूँ। और अब हम इसे बेक करेंगे।
तो चलें फ्रेंड्स, मैंने इनको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में बेक करने के लिए रख दिया है ताकि चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए जी फ्रेंड्स, इटालियन बीफ बर्गर गर्मा गर्म रेडी है और आप ये देख सकते हैं कि इसमें से ये जो मेल्टेड चीज़ है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है, यकीनन आपके भी आ रहा होगा। तो इसे अपने घर में पहली फुर्सत से ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये बीफ बर्गर, इटालियन बीफ बर्गर। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे कुछ व्यूअर्स का कहना ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो उन सबको मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। लेकिन खैर, फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को अगर थोड़ा सा ज़्यादा बोल भी लेती हूँ तो वो ज़्यादा बोलना मेरा मकसद नहीं होता, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रही होती, तो जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। लेकिन खैर, जो मुझे कहते हैं कि खाला जी थोड़ा कम बोलिए, बहना कम बोलिए, तो उनको मैं थैंक्स फिर भी कहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों से मुझे जोड़ा। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रा कम बोलूँ। तो चलिए, फिर ये लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए मुझे नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए और थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें, अल्लाह हाफिज़।